उसको भी फोन इसके बारे में कुछ नहीं किया है। स्पॉट फिक्सिंग के एक और आरोपी अंकित चौहान के घर वालों का भी कहना है कि अंकित निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। देखो, अंकित चौहान बहुत ही इनोसेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे ट्रैप किया गया इस मामले में। मैंने उसे बचपन से देखा, मैं उसका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, हम लोग क्रिकेट भी साथ में खेले हैं और मुझे नहीं लगता वो ऐसे कर सकता है। ही इज वेरी इनोसेंट। देखो क्या है कि एक इंग्लिश में कहावत है कि स्मॉल फिशेज आर इजी टू ट्रैप, ठीक है, और वही हुआ है। आईपीएल में फिक्सिंग की गूंज राजनीति के गलियारों में सुनाई दे रही है। राजनीतिक दलों ने भी फिक्सरों को कड़ी सजा देने की मांग की है। देखिए, आईपीएल के अंदर पैसा, ग्लैमर और फिर लड़कियों की बात, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीसीसीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। शिवसेना ने तो एक कदम आगे जाते हुए क्रिकेट के सभी प्रशासनिक पदों पर बैठे नेताओं को हटाने की मांग की है। आईपीएल की शुरुआत हमारे राजनेताओं ने की है, बड़े बड़े राजनेता हमारे देश के, जिसने आईपीएल की शुरुआत की है। आज आईपीएल के कमिश्नर कौन है? कांग्रेस के नेता है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कौन है? सब पॉलिटिशियन है, सबको निकाल दो, क्या काम है उनका? अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है। आईपीएल में फिक्सिंग की परत दर परत उतर रही है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। देश भर में सट्टेबाजों की धरपकड़ जारी है। फिक्सिंग कांड के सामने आने के बाद से ही सभी सट्टेबाजों ने कुछ समय के लिए अपना धंधा बंद कर दिया है और पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की गिरफ्त में मौजूद तीनों क्रिकेटर्स और बुकीज कर रहे हैं बड़े बड़े खुलासे। अब देखना यह है कि इन खुलासों से क्रिकेट कितना और बदनाम होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। और हमारे साथ टीआर कक्कड़ साहब हैं। टीआर कक्कड़ साहब, लगातार जो परिवार हैं, जितने भी खिलाड़ी पकड़े गए हैं, उनके परिवार तो यही कह रहे हैं कि उनके जो भाई हैं या उनका जो बेटा है वो निर्दोष है। उनके वकील भी यही कह रहे हैं कि पुलिस के जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं और उनका इस बात से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल, उनके अपने दावे हैं, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, फिक्सिंग को लेकर जो कानून है हमारे यहाँ वो क्या है, और दूसरी चीज जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, जो सजा का प्रावधान है, वो कितना तक हो सकता है अगर साबित हो सकता है, अगर साबित हुआ इन पर। तो पहले तो जो इनकार किए जा रहे हैं, मुझे बताइए, आप काफी अरसे से चैनल में काम कर रहे हैं। जी जी। किसी भी अपराधी ने या उसके परिवार के बेशक सही कह रहे हैं वकील ने अपराध कभी कबूल किया? बेशक सही बात है, बिल्कुल। वकील तो है इसी काम के लिए, वकील तो है इसी काम के लिए। आखिर तक उसने कहना है कि ये नहीं है परिवार के, क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, वो यही कहेंगे। तो इसमें कोई ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं होती है। जी, अब प्रश्न यह है कि क्या ये कैसा क्राइम है? ये बेसिकली गैम्बलिंग एक्ट का है, लेकिन इसमें चीटिंग हुई है। तो चीटिंग में 420 और क्योंकि लोगों ने मिलके किया है तो 120 बी जो है, जिसे हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, वो लगता है। यहां पर मकोका भी लगाया गया है। अगर इनको सजा मकोका के नीचे होती है, जो कि प्रूव करना काफी कठिन होगा, लेकिन मुझे अगर लगाया है तो शायद स्पेशल सेल के, आई एम नॉट प्रीवी टू द इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल सेल जो है उसके मकोका अभी लगाया नहीं है के सबूत होंगे। जी, अभी नहीं लगाया है। जी, अगर लगाते हैं तो उसके नीचे तो 10 साल तक 7 साल तक सजा हो सकती है इनको। जी, इसमें जो है उसमें सजा जो है 3 साल तक हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसको छोड़ दीजिए कितनी इन्होंने जो क्रिकेट खेल है उसके ऊपर एक धब्बा लगाया है। इन लोगों को कुछ नहीं होगा तो कम से कम जो बीसीसीआई है, अगर ये डिपार्टमेंटली प्रूव हो जाता है तो कम से कम लाइफ बैन तो लगेगा, वो भी अलग है। लेकिन कितनी बदनामी की बात है। जी हां, बेशक बदनामी की बात है कि जिनको आप कल तक अपनी आंखों पर बिछाए हुए थे, आज उनकी तरफ आप देखना नहीं चाहते, ना ही वो आप अपना चेहरा आपको दिखाना चाहते हैं।
तो इससे गंभीर और क्या हो सकता है। जी बेशक बेशक, और काफी बदनामी इसमें खुद की भी होती है और क्रिकेट भी बदनाम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए, क्योंकि भारत में जिस तरीके से क्रिकेट को लिया जाता है, एक मजहब के तौर पर क्रिकेट को माना जाता है, और वहां पर अगर इस तरह की बात सामने आती है तो जाहिर सी बात है लोगों का मन भी टूटता है और लोगों के साथ ये एक तरह से धोखाधड़ी का मामला बनता है। कक्कड़ साहब हमारे साथ बने रहिए, एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। क्रिकेट को दागदार तो तीन खिलाड़ियों ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हुई इस काले खेल में एस श्रीसंत के शामिल होने की खबर से, जिन्हें शायद इसी क्रिकेट ने नाम और शोहरत दी, बुलंदियां दी, लेकिन चंद रुपयों के लिए श्रीसंत ने क्या कर डाला शायद वो भी नहीं जानते। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं रहा जब श्रीसंत का नाम विवादों से जुड़ा। A good shot, a very good shot for four. Lovely way to end. स्पॉट फिक्सिंग के काले खेल में श्रीसंत का नाम सामने आने के बाद भले ही वर्ल्ड क्रिकेट सकते में हो, लेकिन श्रीसंत का विवादों से नाता कोई नया नहीं। विवादों के श्रीसंत, साल 2007 में टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर श्रीसंत और एंड्रयू साइमंड्स के बीच छींटाकशी हुई। एंड्रयू साइमंड्स का विकेट हासिल करने के बाद श्रीसंत के उग्र रवैये ने सभी को उन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। 2007 में ट्रेंट ब्रिज में खेले गए मुकाबले में जली बीन्स के अलावा माइकल वॉन के साथ एस श्रीसंत का टकराव भी कोई कैसे भूल सकता है। उस मुकाबले में केविन पीटरसन के सिर पर बीमर गेंद से हमला आज भी सबके जहन में है। श्रीसंत के बर्ताव के कारण उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगा था। साल 2008 का सबसे बड़ा विवाद आईपीएल के पहले सीजन के दौरान हुए थप्पड़ कांड की गूंज आज भी सबके जहन में ताजा है, जहां किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए श्रीसंत के उग्र रवैये ने हरभजन को इतना उकसा दिया कि मैच के बाद उन्होंने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद श्रीसंत मैदान में काफी देर तक रोते रहे। 2009 में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने श्रीसंत के एक ओवर में 3 छक्के जड़ डाले, जिसके बाद श्रीसंत अपना आपा खो बैठे और हेडन को जमकर खरी कोटी सुनाई। मैच के बाद हेडन ने कहा था कि श्रीसंत ओवररेटेड गेंदबाज हैं। 2010-11 के साउथ अफ्रीकी दौरे के वक्त एस श्रीसंत ने एक मैच में ऐसा बर्ताव किया कि कप्तान धोनी भी बोल पड़े कि श्रीसंत पर कंट्रोल करना आसान नहीं। उस मैच के दौरान श्रीसंत का ग्रीम स्मिथ और पॉल हैरिस के साथ छींटाकशी का मामला सामने आया। हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि श्रीसंत ने ग्रीम स्मिथ और पॉल हैरिस पर कमेंट्स किए थे। आईपीएल के 5 साल बीत जाने के बाद 6ठे सीजन में थप्पड़ कांड की गूंज एक बार फिर सुनाई दी, जब आईपीएल में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच विवाद की तुलना श्रीसंत और हरभजन सिंह के थप्पड़ कांड से की गई। तब श्रीसंत खुद पर कंट्रोल नहीं रख सके और सोशल साइट ट्विटर पर थप्पड़ कांड फिक्स होने की बातों के साथ साथ ऐसे कमेंट्स लिख डाले जिस पर खुद बीसीसीआई को श्रीसंत को वार्निंग देनी पड़ी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। कक्कर साहब ये बताइएगा कि क्या ये बेलगाम होते खिलाड़ी, ये रिपोर्ट आपने सुनी होगी, देखी नहीं होगी तो सुन जरूर रहे होंगे आप, क्या बेलगाम होते खिलाड़ी इस बात का फायदा उठाते हैं कि वो स्टार बन गए हैं और किसी तरह की जो कंट्रोलिंग बॉडीज हैं क्रिकेट की उनका कोई उन पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं रहता है और इसी बात का फायदा उठाते हैं खिलाड़ी। पहले तो किसी भी व्यक्ति को जब उसकी क्षमता से ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाती है जी, तो वो आपे में नहीं रह सकता है, वो तरह तरह की चीजें ऐसी करेगा जिससे कि वो समझता है कि वो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन असल में होता नहीं है। और इसी तरह विवादों में फंसते गए ये, और इतने अपने आप को उनका मनोबल, इतना गलत मनोबल जो है वो बढ़ता गया कि इस चीज में भी यहां तक पहुंच गए। दूसरा ये है कि बीसीसीआई को कुछ ऐसी चीजें करने की आवश्यकता है कि इस तरह के खिलाड़ियों को जो हर समय थोड़ी देर के बाद समय समय पर ऐसे विवादों में घिर जाते हैं जिससे कि क्रिकेट की जो जेंटलमैनशिप है उसमें उस पर प्रभाव पड़ता है, तो उनको वार्निंग दें, उनको एक अलग साइड पे रखें। बेशक, तो इसके साथ हुआ अल्टीमेटली कंट्रोल रखने के लिए। सबसे ज्यादा चीज की जरूरत यह है कि अब क्योंकि ये चीजें हो रही हैं और आईपीएल में इतना पैसा है, तो इंटरनल विजिलेंस के ऊपर बेशक मैं उसी बात पर आ रहा था। बीसीसीआई को चाहिए खर्च करें बहुत शुक्रिया और ये जो इंटरनल विजिलेंस जो है ये भी
स्टेट पुलिस के जो स्पेशल सेल्स हैं, जो ऐसे सेल्स हैं जो इन चीजों की तरफ निगरानी करते हैं, उनके साथ थोड़ा सा इकट्ठे होकर उनसे कभी न कभी बैठकर पता करें कि किसके पास क्या खबर है, किस तरह की खबर है, और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया टीआर कक्कर साहब, थोड़ा सा बेशक एक विजिल रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, न्यूज नेशन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहला मौका नहीं है जब आईपीएल में खेल रहे खिलाड़ियों पर फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। पिछले सीजन में भी 5 खिलाड़ियों को आईपीएल में फिक्सिंग का दोषी पाया गया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने कड़े कदम उठाते हुए सभी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आईपीएल ने अगर सफलता के शिखर को छुआ है तो विवादों से भी इस क्रिकेट लीग का चोली दामन का साथ रहा है। आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा संकट सीजन 5 में आया जब उसके 5 खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप लगा। एक टीवी चैनल के स्ट्रिंग में साफ दिखाया गया कि आईपीएल की अलग अलग टीमों के 5 खिलाड़ी किस तरह मैच फिक्सिंग के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। तेज गेंदबाज सुधींद्र, शलभ श्रीवास्तव, मोहनीश मिश्रा, अमित यादव और अभिनव बाली स्टिंग में मैच फिक्सिंग की बातें करते हुए पकड़े गए। सख्ते में आई बीसीसीआई ने आनन फानन में जांच बिठाई और आईपीएल की साख बचाने के लिए 5 आरोपी खिलाड़ियों के खिलाफ बैन का डंडा चला दिया। सुधींद्र पर जहां आजीवन प्रतिबंध लगाया गया, वहीं यूपी के तेज गेंदबाज शलभ श्रीवास्तव को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। मोहनीश मिश्रा, अमित यादव और अभिनव बाली पर 1-1 साल का प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि ये सभी खिलाड़ी लगातार फिक्सिंग में शामिल होने की बात से इनकार करते रहे, लेकिन बीसीसीआई की जांच समिति पर इन खिलाड़ियों के इनकार का कोई असर नहीं पड़ा। पैसे और ग्लैमर से भरपूर आईपीएल पर सिर्फ फिक्सिंग ही नहीं, और भी कई तरह के आरोप लगे। सीजन 5 में ही आईपीएल खेल रहे 2 खिलाड़ी एक रेव पार्टी में पकड़े गए जहां उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे। हालांकि वो दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल के मौजूदा सीजन में भी खेल रहे हैं। आईपीएल के जनक माने जाने वाले ललित मोदी आजकल इंग्लैंड में हैं। उनका कहना है कि सट्टेबाजी माफिया से उन्हें जान का खतरा है, इसलिए वो भारत नहीं आ रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के बैड बॉयज।